मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में, यानी कि BMRCL। यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी वैकेंसी है किसके लिए। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और प्रिपरेशन से रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेविड गुरु का मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशन की, पोस्ट डिटेल कौन सी है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हैं CA CMA इंटर क्वालिफाइड और ग्रेजुएशन पे। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन कहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे GM फाइनेंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हाईली क्वालिफाइड है, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है हमारे एज पर हमारे जो भी फ्रेंड्स उनसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो इन सब की टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4, 4 एंड 2 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है जिसपे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया, वो सारा भी मैं बताने वाला हूँ। तो लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन यहाँ पे बताया गया है, जो लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन है रिसीट करने का 21/7/2020 है, शाम के 4 बजे तक ये लिंक ओपन होगा, या फिर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे और क्या क्या है वो सारे देखेंगे। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन है जिसका लास्ट डेट 21/7/2020 शाम के 4 बजे तक आपको अप्लाई करना है। जो वेबसाइट है अप्लीकेशन अप्लाई करने का वो PMRC.CO.IN है और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी जा सकते हैं। पार्ट में यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या मांगा है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे मैनेजर। तो जैसा कि जहाँ पे बात किया गया है नंबर ऑफ वैकेंसी की 2 है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 ईयर्स रखा गया है। जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट इन कॉमर्स मांगा गया है, फुल टाइम रेगुलर आपका कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग या DU से जो किए हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स और MBA फाइनेंस, ये आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विथ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ग्रेजुएशन के साथ आपका होना चाहिए क्या CA CMA या फिर MBA फाइनेंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग CA CMA 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि जो CA CMA है उनके लिए एक्सपीरियंस 3 ईयर का रखा गया है एट और ऑन 1 लेवल लोअर। तो ये सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम 8 ईयर्स एक्सपीरियंस, इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग CA CMA 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एट सेम और 1 लेवल बिलो। तो सेम पोजीशन या इससे बिलो लेवल पे आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट की बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, जहाँ पे 4 नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी है, एज यहाँ पे भी 40 ईयर्स रखा गया है, मस्ट हैव कॉमर्स ग्रेजुएट एंड यहाँ पे एंड है इंटर पास CA एंड CMA और पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, इन तीनों में यानी कि BCom मतलब ग्रेजुएट इन कॉमर्स प्लस CA इंटर और CMA और PG यानी MCom है तब भी आप MBA फाइनेंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। देन मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इन केस ऑफ CA CMA अगेन यहाँ पे CA CMA है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पे बात करें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4 है, एज यहाँ पे 30 ईयर्स रखा गया है, ग्रेजुएट इन कॉमर्स यानी कि BCom या BA के साथ आपने अगर CA CMA इंटर किया हुआ है और MBA फाइनेंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखा गया है, 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर इंटर पास स्टूडेंट, तो जो भी इंटरमीडिएट हैं CA CMA उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी अगर आप ग्रेजुएशन सिर्फ हैं तो आपको यहाँ पे यानी कि ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बट उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह से बाकी सब में एंड वर्ड है, यहाँ पे और है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैनेजर पोस्ट की बात करें तो 55,000 to 80,000 आपको मिलने वाला है डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर में 48,000 to 58,000 आपको सैलरी मिल सकती है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 26,000 to 35,000 आपको यहाँ पे मिलने वाला है सैलरी, तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी कह सकते हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट विथ 2 ईयर मांगा गया है, CA CMA के इंटरमीडिएट पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो 26 स्टार्टिंग है यहाँ पे क्वालिफाइड है ग्रेजुएशन के साथ CA CMA और यहाँ पे 3 ईयर एक्सपीरियंस है अगर आप CA CMA हैं तो 48,000 to 58,000 है। तो ये अलाउंस, बाकी जो अलाउंस है यहाँ पे बताया गया है कि नेशनल NPS आपको और इंश्योरेंस कवरेज ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं पॉइंट 4 की, जहाँ पे कि टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताया गया है कि जो भी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है वो मिनिमम है, कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आल्सो अप्लाई।
जो मांगा गया वो मिनिमम है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में खास बात बताया गया है कि कन्नड़ नॉलेज आपके पास तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिल सकता है। देन जनरल टर्म्स कंडीशन की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट मे बी टर्मिनेटेड बाई ईदर साइड बाई गिविंग 90 डेज अ नोटिस और बाई पेइंग द कॉन्ट्रेक्चुअल रेमुनरेशन फॉर 1 मंथ। तो आप अगर इन नोटिस यानी कि इंटीमेशन दे देते हैं कि आप 3 महीने पहले की आप जॉब छोड़ सकते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं यहाँ पे काटा जाएगा, और या तो आप 1 महीने की सैलरी दे के वहाँ पे जॉब छोड़ सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, जो भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे यहाँ पे रिटन टेस्ट या फिर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका इंटरव्यू होगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट हो सकते हैं कम है एक्सपीरियंस की वजह से। अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाए। यानी यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन यानी अप्लाई करने के बाद आपको प्रिंट लेना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन सभी को अटैच करना है और आपको सेंड कर देना है इस एड्रेस पे जो यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे आपको बैंगलोर में कर देना। लास्ट डेट जैसे कि मैंने बताया इसको सेंड करने का, रिसीट करने का है 4 PM ऑफ 21 जुलाई 2020। जो भी एप्लीकेशन है उसको अप्लाई कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड कर देना है डॉक्यूमेंट इस एड्रेस पे, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो ऑनलाइन अप्लाई करते समय देख लेंगे कि एप्लीकेशन फ़ीस है या नहीं, तो जो भी होगा वो आप यहाँ पे देख लेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये वैकेंसी अच्छी लगी हो। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं प्लीज़ अप्लाई करें और वेट करें अपने शॉर्ट लिस्टिंग का, और इंटरव्यू जरूर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन्फॉर्मेशन के।